मजमून है उर्दू अदीब, हमारे इमाम का नाम है खुशी का दिन। सबसे पहले हम बुक से इसकी रीडिंग करेंगे। सबक का नाम है खुशी का दिन। अम्मी देखें कितना अच्छा रंग आया है। जारा सुबह आंख खुलते ही अम्मी के पास भागती हुई गई और अपने मेहंदी लगे हाथ दिखाए। अम्मी ने इसे प्यार किया और ईद मुबारक कहा। जारा और अली तैयार होने लगे। दोनों ने तैयार होकर आए तो बहुत प्यारे लग रहे थे। जारा ने गुलाबी फ्रॉक पहनी थी जिसमें सितारे लगे थे। अली ने कुर्ता शलवार पहना था, इसकी टोपी पर शीशे लगे थे। दादा जान और अबू भी तैयार थे। ताया जान और उनका बेटा फौजान भी आ गए थे। सब ने सवैयाँ खाई और ईद की नमाज पढ़ने ईदगाह चले गए। नमाज के बाद सब ईद मिले। वापसी पर अब्बू ने बच्चों को गुब्बारे दिलवाए और मिठाई खरीदी। घर आकर अम्मी और दादी जान को सब ने ईद मुबारक कहा। अब ईदी मिलने का वक्त था। दादा जान, अब्बू, ताया जान सब ने ईदी मिली। सबसे ईदी मिली। जारा और अली ने उनको सलाम किया। जारा ने अपने सितारों वाले पर्स में पैसे रखे और अली ने अपनी जेब में। अली बाहर अपने दोस्तों से ईद मिलने गया। राहील से इसकी 2-3 दिन पहले लड़ाई हुई थी, लेकिन आज दोनों का गुस्सा खत्म हो चुका था। दोनों ने एक दूसरे को खुशी खुशी गले लगाया। फिर अली और जारा फूफो जान के घर सवैयाँ देने गए। फूफो जान ने बहुत प्यार किया और ईदी दी। दोपहर के खाने के बाद वो दोनों अपने अम्मी अब्बू के साथ नाना जान के घर गए। वहाँ अपने मामू जान और खाला जान के बच्चों के साथ खूब खेले। रात तक खाना खाकर वापस आए। दोनों को बहुत सारी ईदी मिलने की खुशी थी, मगर सब रिश्तेदारों से मिलने की खुशी उससे बढ़कर थी। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का उनवान, खुशी का दिन। मैंने आपको बुक से रीडिंग कर इसकी बताई। इस सबक में ईद उल फितर के बारे में बताया गया है। ईद उल फितर हमारा तहजीबी त्यौहार है और ये रमज़ान के रोज़े रखने के बाद आता है। फर्स्ट शवाल को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें ज़ारा और अली दो बच्चे के बारे में इसमें बताया गया है, जो कि सुबह सुबह उठते हैं और खुश सबको ईद मुबारक कहते हैं। इसके बाद वो सवैयाँ देने अपने खाला के घर, अपने फूफो के घर जाते हैं। वहाँ से उनको ईद मिलती है। उसके बाद वो अपने नानों के घर जाते हैं और इन सब रिश्तेदारों से मिलते हैं। और इसके अलावा अली की अपने राहील दोस्त के साथ लड़ाई हुई होती है, लेकिन वो खुशी का दिन होता है ईद का, इसलिए वो अपनी लड़ाई, अपने झगड़े को ख़त्म कर एक दूसरे से गले मिलते हैं और वो अपने सब रिश्तेदारों से मिलकर बहुत खुश होते हैं। इस चैप्टर में हमने ईद उल फितर के बारे में पढ़ा। स्टूडेंट, अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहले हम करेंगे इमला। मुश्किल अल्फाज जो हैं वो हम यहाँ लिखेंगे। सबसे पहला फ्रॉग, टोपी, शीशे, सवैया, पांचवा है पर्स, छठा है जेब, सातवा है लड़ाई, गुस्सा, नौवां लफ्ज है प्यार, लास्ट है हमारा खेले। ये हमारे मुश्किल अल्फाज थे और इमला है। एक बार फिर से मैं आपको पढ़ा दूं। सबसे पहला लफ्ज है फ्रॉक, टोपी, शीशे, सवैया, पर्स, जेब, लड़ाई, गुस्सा, प्यार, खेल। हमारे इमला के ये 10 अल्फाज हैं। अब हम करेंगे
अल्फाज माही। सबसे पहले मैं यहाँ अल्फाज लिखूं। अब हम करेंगे इसके अल्फाज जुमले। सबसे पहले अल्फाज लिख देती हूँ मैं। मेहंदी, गुब्बारे, सलाम, खुशी, लास्ट है हमारा सुनिया। जो मैं यहाँ जुमले लिख रही हूँ आप अपनी मर्जी से भी यहाँ जुमले लिख सकते हैं जो आपको आसान लगते हैं। मेहंदी, गुब्बारे, अबू ने मुझे गुब्बारे दिलवाए, सलाम, हमें बड़ों को सलाम करना चाहिए, खुशी, ईद का दिन खुशी का दिन होता है। लास्ट है हमारा सवैया, मेरी अम्मी ने ईद पर मजेदार सवैया बनाई या पकाई। हमारा अल्फाज जुमले का पहला लफ्ज था मेहंदी, गुब्बारे, सलाम, खुशी, सवैया। अल्फाज के जुमले थे मेहंदी, मैंने मेहंदी लगाई, गुब्बारे, अब्बू ने मुझे गुब्बारे दिलवाए, सलाम, हमें बड़ों को सलाम करना चाहिए, खुशी,
ईद का दिन खुशी का दिन होता है। सवैयाँ, मेरी अम्मी ने ईद पर मज़ेदार सवैयाँ पकाईं। आप अपनी मर्ज़ी से भी अल्फाज के जुमले लिख सकते हैं जो आपको आसान लगते हैं। हमारे अल्फाज पहली भी हो गए, हमारे अल्फाज जुमले भी हो गए। अब हम बुक से कुछ एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहला है खाली जगह पूर्ण करें। जो सही लफ्ज आपको लग रहा है आपने इस खाली जगह के अंदर लिखना है। सबसे पहले पहले हम करेंगे मैं स्कूल डैश, मैं स्कूल गई। उसके बाद दूसरा है मैं मेरी बड़ियानी, मैं मेरी बड़ियानी डैश, मैं मेरी बड़ियानी खाई, इसकी डैश में आएगा खाई। तीसरा है ये किताब मैंने किताब डैश मैंने किताब पढ़ी, खाली जगह में आएगा पढ़ी। हमारा लास्ट है जारा ने मुझे आवाज डैश डैश में आएगा दी, जारा ने मुझे आवाज दी। ये हमारी खाली जगह थी। सबसे पहला था मैं स्कूल डैश, डैश में हमने लिखा मैं स्कूल गई। दूसरा है मैंने बड़ियानी डैश, मैंने बड़ियानी खाई। तीसरा है मैंने किताब डैश, मैंने किताब पढ़ी। चौथा है जारा ने मुझे आवाज डैश, जारा ने मुझे आवाज दी। हमारा अगला सवाल है हरूफ मिलाई जोड़ तोड़ है। हमने सबसे पहले लिखा हुआ है दाल मीम, क्या आएगा दम। हम इसको जोड़ कर लिख देंगे दाल मीम दम। दूसरा है काफ लाम कल, काफ लाम कल। तीसरा है गाफ अलिफ गा, गाफ अलिफ गा। चौथा है बे अलिफ बा, बे अलिफ बा। पांचवा है चे लाम चल, चे लाम चल। छठा है लाम बे लर। सबसे पहला हमारा हरूफ था दाल मीम दम, काफ लाम कल, गाफ अलिफ गा, बे अलिफ बा, चे लाम चल, लाम रे लर। स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन है दुरुस्त जवाब के दायरा लगाएं। मैं बुक से रीड करूंगी और उसका आंसर यहाँ सर्कल करेंगे। सबसे पहला है ये सबक डैश के दिन के बारे में है। किसके बारे में है? ईद के। ईद को सर्कल कर दें। दूसरा है जारा ने हाथों पर डैश लगाई थी। जारा ने हाथों पर क्या लगाया था, करीम मट्टी या मेहंदी? सही आंसर है इसका मेहंदी। हमने मेहंदी को सर्कल कर दिया। हमारा तीसरा है जारा ने डैश रंग की फ्रॉक पहनी थी, गुलाबी पीले या नीले रंग की। तो हमारा सही आंसर है गुलाबी, गुलाबी को हमने सर्कल कर दिया। हमारा चौथा है नमाज डैश सब ईद मिले, नमाज से पहले, नमाज के बाद, नमाज के वक्त। तो हमारा सही आंसर है नमाज के बाद सब गले मिले। पांचवा है वापसी पर अब्बू ने बच्चों को डैश दिलवाए, खिलौने बर्गर या गुब्बारे। सही आंसर है गुब्बारे। ये था हमारा दुरुस्त जवाब के लिए सर्कल करें। सबसे पहला था ये सबक के डैश के दिन के बारे में है, इसका सही आंसर है ईद, ईद के दिन के बारे में है। जारा ने हाथों पर डैश लगाई, ईद मेहंदी लगाई, जारा ने हाथों पर मेहंदी लगाई, जारा ने डैश रंग की फ्रॉक पहनी थी, गुलाबी, इसका सही आंसर है जारा ने गुलाबी रंग की फ्रॉक पहनी थी। चौथा है नमाज डैश सब ईद मिले, नमाज के बाद सब ईद मिले, इसका सही आंसर है के बाद।
लास्ट है हमारा वापसी पर अब बूढ़े बच्चों को डैश दिलवाए, खिलौने बर्गर या गुब्बारे, इसका सही आंसर है गुब्बारे। वापसी पर अबू ने बच्चों को गुब्बारे दिलवाए। स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई से पांच रंगों के नाम लिखेंगे, आपकी एक्टिविटी है, इसलिए हम आपने बुक पर करनी है, आप यहाँ से मैं यहाँ आपको व्हाइट बोर्ड पर करवा रही हूँ। कोई से भी पांच रंगों के नाम लिखें, ये आपकी एक्टिविटी है। सबसे पहले आप अपनी मर्जी से कोई भी रंगों के नाम इसके अंदर लिख सकते हैं। मैंने लिखा है सुर्ख, सब्ज, काला, पीला और गुलाबी, ये आपकी एक्टिविटी है। अब स्टूडेंट हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमारा सबसे पहला सवाल है, सवाल नंबर वन, अम्मी ने जारा को प्यार करके क्या कहा। सवाल नंबर वन, इसका जवाब है अम्मी ने एक बार दोबारा से हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर वन था, अम्मी ने जारा को प्यार करके क्या कहा। सारा क्वेश्चन का आंसर ऊपर से देकर आपने आंसर में लिख लेना, अम्मी ने जारा को प्यार करके ईद मुबारक कहा। हमारा दूसरा सवाल था, अली ने ईद के दिन क्या पहना था। ये भी इसी तरह सवाल से देकर सारा जवाब में आ जाएगा, अली ने ईद के दिन कुर्ता शलवार पहना था। हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री है, नाना जान के घर अली और जारा किसके साथ गए। सवाल नंबर तीन, नाना जान के घर अली और जारा किसके साथ गए। इसका जवाब है नाना जान के घर
जारा खालाजान और मामू जान के बच्चों के साथ गए। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है वो भी इसी से मिलता जुलता है। नाना जान के घर अली और जारा किसके साथ खेले? तो इसका आंसर भी यही है, नाना जान के घर अली और जारा खाला जान और मामू जान के बच्चों के साथ खेले। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, अली और आकिब लड़ाई के बावजूद क्यों की मिले? सवाल नंबर और रणवीर लड़ाई के बावजूद क्यों ईद मिले? जवाब है क्योंकि ईद का दिन था और वो दोनों आज बहुत बहुत खुश थे। ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, अली और राहील लड़ाई के बावजूद क्यों ईद मिले? और उसका जवाब है क्योंकि ईद का दिन था और वो दोनों आज बहुत खुश थे। हमारा आखिरी सवाल है, अली और जारा को ईदी मिलने से ज्यादा किस बात की खुशी थी? इसका जवाब है अली और जारा को ईदी मिलने से ज्यादा सब रिश्ते से मिलने की खुशी थी। हमारा सवाल नंबर 5 था, अली और जारा को ईदी मिलने से ज्यादा किस बात की खुशी थी? इसका जवाब है अली और जारा को ईदी मिलने से ज्यादा सब रिश्तेदारों से मिलने की खुशी थी। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। हमारे उनवान का नाम था खुशी का दिन। सबसे पहले मैंने आपको खुशी के दिन की बुक से रीडिंग कर बताई, उसके बाद मैंने इमला मुश्किल अल्फाज लिखे, अल्फाज बाइनी मैंने आपको करवाए, अल्फाज जुमले करवाए। आप अल्फाज जुमले अपनी आसानी के लिए अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। उसके अलावा बुक से कुछ मैंने आपको एक्टिविटीज़ करवाई और कुछ बुक वर्क किया। उसके बाद लास्ट में हमने क्वेश्चन आंसर किए। हमारे 5 क्वेश्चन थे, अम्मी ने जारा को प्यार करके क्या कहा? हमारा दूसरा सवाल था, अली ने ईद के दिन क्या पहना था? तीसरा सवाल, नाना जान के घर अली और जारा किसके साथ खेले? हमारा चौथा क्वेश्चन था, अली और राहील लड़ाई के बावजूद ईद क्यों मिले? हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, अली और जारा को ईदी मिलने से ज़्यादा किस बात की खुशी थी? मैंने आपको इस चैप्टर में जो जो बताया, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया।